भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिख रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 299 रुपए में मिलेगा 10 लाख रुपए का बीमा, और ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है और ये अच्छी खबर बताई जा रही है। आइए देखते हैं इसमें अच्छा क्या है। बदायूं से ये खबर प्रकाशित हुई है। डाक विभाग अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम प्रीमियम राशि में 10 लाख रुपए का बीमा लेकर आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवा के तहत जिन ग्राहकों के खाते खुले हैं वह डाकघर से संपर्क करके 299 रुपए देकर 10 लाख रुपए का बीमा करा सकते हैं। बीमा की अवधि 1 साल रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। डाक विभाग अपने ग्राहकों को एक के बाद एक बेहतर सुविधा मुहैया करा रहा है। इसी बीच डाक विभाग ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है और ये पॉलिसी बहुत ही सस्ती है। इस पॉलिसी को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो मात्र 299 रुपया रखा गया है। बीमा कराने के बाद अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसके वारिस को एक्सीडेंटल बीमा कवर में 10 लाख रुपया मिलेगा। 399 रुपए का बीमा कराने पर 10 लाख के एक्सीडेंटल बीमा के साथ ही 60,000 तक हॉस्पिटल में एडमिट होने 24 घंटे से अधिक इतने पर मिलेगा और 30,000 रुपए तक ओपीडी का खर्चा दिया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए और मिलेंगे। साथ ही साथ यानी कुल मिलाकर करके 11 लाख रुपया मिलेगा हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 60,000 के अतिरिक्त। यहां पर 1,000 रुपया प्रतिदिन 10 दिनों तक आपको वो मिलेगा। तो इस हिसाब से ऐसे कुछ यहां पर चीजें दी गई हैं जो कि ज्यादा ही लाभ बता रही हैं। मनोज गुप्ता हैं डाक अधीक्षक प्रधान डाकघर, उनकी तरफ से क्या कहना है चलिए सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति डाकघर में संपर्क करके बीमा करा सकता है। बीमा के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी की सुविधा 299 और 399 रुपए मिलेगी। साथ ही ये मिलेगा लाभ, एक बार में ही 299 रुपए जमा करने होंगे। जमा 1 साल का जो है आपका रहेगा बीमा। देखो लिखा है एक बार में 299 रुपया करने होंगे जमा और 1 साल का रहेगा बीमा। 299 के बीमा के बाद घटना होती है तो वारिस को मिलेंगे 10 लाख, यानी 299 बीमा के बाद में अगर कोई घटना होती है तो वारिस को, जो भी आपका वारिस होगा, तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। 399 के बीमे में 10 लाख के क्लेम के संग अपंगता पर मिलेगी राशि। ये सब बातें यहां पर जो है मेंशन की गई हैं और अधिक जानकारी आप अपने डाकघर से पता कर सकते हैं इस बारे में जो भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो है सोशल मीडिया में गलत भी चीजें प्रकाशित होती हैं। खैर इसके बारे में आप अपने नजदीकी डाक से जो है कंफर्म करें। ऑल इंडिया इसकी देखो पुष्टि नहीं करता है, वायरल खबर है, हो सकता है आपके काम की हो, बस इस आशय के साथ आपको दिखाई जा रही है ताकि हो सकता है ये सही हो तो आप लोगों को इसका लाभ मिल जाए। इधर बात करते हैं, यहां पर रेखा बहन सुल्तान से आती हैं और इनके वहां से एक उन्होंने एक ये जानकारी साझा की है। आंगनवाड़ी केंद्रों में डेस्क और बेंच, इन पर बच्चे पढ़ेंगे, तो ये एक सुल्तानपुर से खबर प्रकाशित हुई है। कुड़वार का प्राथमिक स्कूल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले चरण में चिन्हित हुए आंगनबाड़ी केंद्र वाले 154 जो परिषदी विद्यालय हैं उनमें तैयारी चल रही है, तो इस बारे में जानकारी आ रही है। तो परिषदी विद्यालय के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चे अब फर्नीचर पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। पहले चरण में जिले के 154 परिषदी विद्यालय को चिन्हित किया गया है और 23,87,000 रुपए से डेस्क बेंच खरीदी जाएंगी, तो एक बड़ी राशि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी को और सशक्त बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसी के तहत शिक्षा सत्र जो 2022-23 है इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी का दर्जा दिया गया है। नौनिहालों को प्राइवेट विद्यालय की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए जिले के 154 विद्यालय को फर्नीचर भी आपूर्ति के लिए चयनित किया गया है। चयनित विद्यालय में 23,87,000 रुपए की धनराशि से फर्नीचर क्रय किए जाएंगे ताकि प्री प्राइमरी में अध्ययन करने वाले बच्चे डेस्क बेंच का उपयोग कर सके और प्रति डेस्क बेंच की खरीद पर 1,080
रुपया पर खर्चा आएगा। एक बेंच पर दो बच्चे के बैठने की व्यवस्था होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से डेस्क बेंच की खरीद के मानक भी तय किए गए हैं। आवंटित धन से डेस्क बेंच की खरीद प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर आपूर्ति होगी। आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी और समिति में सीडीओ, महाप्रबंधक, उद्योग केंद्र, डायट प्राचार्य, बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी और एएओ, आपके जो है आईटीआई प्रधानाचार्य और वन नामित जो तकनीकी विशेषज्ञ इसमें शामिल है। तो एक ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो वैसे इसका जो सरकारी आदेश था हेल्प डेस्क की खरीद का, जो डेस्क बेंच का, वो सब आप लोगों को हम पहले ही दिखा चुके हैं और आपको बताया भी जा चुका है। वैसे अगर बात करें इस जानकारी की तो रेखा बहन सुल्तानपुर से उनके द्वारा जानकारी भेजी गई। और बात करते हैं अगली एक जानकारी की, जो कि आप देख रहे हैं बिहार के सहरसा जिले से एक आदेश निकला है गोपनीय शाखा से। आइए देखते हैं इसमें क्या है। बताया जा रहा है कि आदेशानुसार 7/4/22 के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने और इसके सतत अनुसरण और राज्य में न्याय के साथ में विकास को सुनिश्चित करने और प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से दिनांक 27 जुलाई से 28 जुलाई को सहरसा जिला के अंतर्गत पंचायतों का निरीक्षण किया जाना है। अधिकारी के साथ में पंचायत को संबद्ध किया जाना है और वे संबद्ध पंचायतों का निरीक्षण करेंगे। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं। प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद होने से पहले कम से कम 10 बजे तक स्थल पर पहुंच जाएं और विशेष सघन निरीक्षण करके फोटो भी व्हाट्सएप पर अपलोड करें। तो यहां पर जांच होने वाली है सहरसा में, कृपया आप सब सावधान रहें। इस विशेष पंचायत के निरीक्षण के कुछ बिंदु भी आए, आइए देखते हैं किन पर जो निरीक्षण होंगे। तो पहला पॉइंट है हर घर नल जल, ये भी इस पर निरीक्षण किया जाएगा और घर तक पक्की नाली, इस पर भी जो है यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा, फोटो भी सब जाएंगी। और पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल इससे जुड़ा हुआ होगा, जैसे छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, भवन की स्थिति और लड़कों के शौचालय, लड़कियों के शौचालय, पेयजल, बिजली, इनकी सबकी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म, स्कूल की किताबें, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, मध्याह्न भोजन, ये सभी सेवाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण दरअसल किया जाएगा। और निरीक्षण अधिकारी कक्षा में कम से कम 20 मिनट तक बैठ करके या देखेंगे कि शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं और छात्र कैसे पढ़ रहे हैं, शिक्षण की गुणवत्ता पर आकलन भी करेंगे और फोटो भी लेंगे। साथ ही साथ जो है आपका एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक छात्रावास, इनका भी वहां पर जो निरीक्षण किया जाएगा कि वो छात्रावास कैसे हैं, उनमें पुस्तकालय है कि नहीं, कंप्यूटर कक्ष, रसोई, शौचालय और जो यहां पर बिस्तर और बिजली कनेक्शन, छात्रावास भवन, ये सब इस पर जो है वहां पर निरीक्षण होगा। पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण होगा। पंचायत वगैरह में क्या होगा, जैसे चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है, आशा वर्कर है, दवाइयां हैं, उपकरण है, बिस्तर है, शौचालय भवन है और साथ ही साथ जो है शौचालय हो गया, भवन की स्थिति हो गई, बिजली हो गया, कनेक्शन हो गया, जलापूर्ति कनेक्शन हो गया, इस सब चीज पर। साथ ही साथ जो है स्थिति पर ग्रामीणों से प्रतिक्रिया भी लेंगे कि गांव वालों का इस पर क्या प्रतिक्रिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के देखो लिखा हुआ है कि स्टाफ और बच्चों की उपस्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषण कार्यक्रम, गर्भवती, कुपोषित और कम वजन के बच्चे, पूरक पोषाहार, यूनिफॉर्म, प्री स्कूल लर्निंग वाले किट और ऐसे सब सुविधाओं को लेकर के होगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना और साथ ही पीडीएस वाला जो है आपका खाद्यान्न भंडार वाला, उसका सब निरीक्षण और जो गुणवत्ता, साथ ही ग्रामीण सड़कों की स्थिति, खरीद केंद्र जो उनका निरीक्षण, मनरेगा योजनाओं का, समस्त ग्रामीण आवासों का, पंचायत सरकार भवन का, भू राजस्व मामलों की स्थितियों का, तो ऐसे चीजें होंगी। ठीक, आगे वर्षा ऋतु के आगमन के साथ नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है, इस पर भी जो है वहां पर बाढ़ पूर्व तैयारियों के बारे में। तो ऐसे करके ये सहरसा में चीजें होने वाली है, निरीक्षण होगा, सूची ऊंची आ गई है, सभी अधिकारियों के नाम वाम भी आ गए हैं। तो अब आप सब क्या करें, थोड़ा सावधान रहें, निरीक्षण आपके वहां होने वाले हैं और सभी पदाधिकारियों के ये सब नाम और डेट 27/28 ये सब लगी हुई है। तो आज भी निरीक्षण ताबड़तोड़ सहरसा में होने वाले हैं और वैसे भी सरकारी काम लेट होते हैं तो एक दो दिन बाद भी ये होते रहेंगे, तो परेशान मत होना। तो आप लोग थोड़ा तैयार रहना हर एक चीज के लिए। तो आज का जो वीडियो है शाम का, उसको हम और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का ये वीडियो